हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू. हमारी तरफ से आपको राखी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. और नेहा को काजू के साथ टॉफी मिलने वाली है. लेट्स सी. ओके आंसर तो ये तीन राखियां बन गई. मेरा नाम है नेहा और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में. सो जैसा कि आप जानते हैं आज रक्षाबंधन का त्यौहार है. सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन. तो आज मैं अपने घर नहीं जा पाई हूँ इस रक्षाबंधन पे, तो मैं राखी अपने हॉस्टल में सेलिब्रेट कर रही हूँ. मेरे साथ तीन और हैं जम्मू की लड़कियाँ जो भी अपने घर नहीं जा पाई हैं, तो हम चारों मिलकर आज राखी सेलिब्रेट करेंगे. और तो पूरा हॉस्टल खाली हो चुका है, सब अपने घर चले गए हैं. एकदम अच्छा नहीं लग रहा है अभी इस समय, क्योंकि हम एकदम अकेले पड़ गए हैं और सारे अपने अपने घर चले गए हैं. तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम यहीं पे हॉस्टल में रह के एक दूसरे को राखी बांधेंगे और सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन. तो आज का ब्लॉग जो होगा वो होने वाला है रक्षाबंधन सेलिब्रेशन इन आर हॉस्टल. सो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और आप एंजॉय करो. ये है हमारी राखी की थाली. आजा 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 आजा. हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू. सो दिस इज हॉस्टल राखी इन एडिशन. सो आज हम हॉस्टल में राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं. किसी कारणवश हम अपने घर नहीं जा पाए, सो हम यहीं पे एक दूसरे को राखी बांध के रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे. हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम अवर साइड. सो वी विश कि आपके घर में सब लोग आराम से और खुशी खुशी रहें और सबको हैप्पी रक्षाबंधन. या चलो अब बांधते हैं. सबसे पहले कौन बांधने का? मैं. हाँ तू कोई भी बांध दो. आंचल पीछे कर. पहले प्रियांशी से स्टार्ट कर रहे हैं. प्रियांशी पहले सबको राखी बांधेंगे. स्टार्ट कर रहे. उसके बाद मानसी बांधेगी. स्टार्ट कर. हम तेरे भाई हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे. करनी पड़ेगी भाई. जिसकी रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी वो हमारी रक्षा करेगा. हाँ बिल्कुल. सबसे पहले सीट ढक. क्या वो सीट ढको? मतलब पहले मुझे ही राखी बांधनी चाहिए थी ना, क्योंकि मुझे ज्यादा रक्षा की जरूरत है. सीट ढक. वो तो बात सही है. सूखी है वो, इसको ही जरूरत है सबसे. सही में पहले मुझे बांधनी चाहिए थी यार, गलत नहीं है. चलो इसके बाद में बांध दो. पहले मैं मुझे राखी की ज्यादा जरूरत है. राखी शक्ल देखो. राखी नेहा से. नेहा चलकर आगे. ये राखी तो बांधते लेकिन देंगे क्या? गिफ्ट तो लाएंगे कुछ चाहिए. मानसी तुझे फोटी होगी फिर. मानसी तुझे एक ही सिंगल में आएगा. लास्ट में आती है. ओह मानसी तो पहले से ही राखी बांध गई. मानसी किसे बनवाई है? उसमें डाल दे. राखी कैसे बनवाई है? ये समझ लेना तुम, मतलब समझते. और फाइनली मैंने राखी बांध दी. अब टाइम है कुछ मिनट रखने का. मुझे टॉफी मिलने वाली है. नेहा को काजू के साथ टॉफी मिलने वाली है. लेट्स सी. ओके आंसर तो चल मानसी मुंह मीठा करने की बारी अब तेरी. फाइनली रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया. और मेरी बारी. पहले मुझे तो खिला. पोजीशन चेंज करो. हम
कोई हमें आरती हमारी ले रहा है ना, स्पेशल चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ ज्यादा ही स्पेशल फील आ रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ ये जल ना जाए, ये आग ऐसी उड़ रही है ना यहाँ पे। अगर ये सब कुछ बीच में आया ना तेरा ब्लॉग चैनल ब्लॉक हो जाएगा। कुछ ब्लॉक नहीं होगा, सब आएगा अनकट वीडियो। बस कर बस कर, मैं तो वो हो जाऊंगी कंफ्यूज इतनी राखी में से कौन सी राखी चुनूं। ओ कंफ्यूजन, ये तो मुझे पता नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। हैप्पी रक्षाबंधन, अपनी राखी चुन। पहली राखी जा रही है मुझे बांधने के लिए। सो दिस इज फर्स्ट राखी गोज टू, सबसे लास्ट में जिसको बांध रही है, मतलब पहली राखी मेरी बंधी ना तुझे। हाँ ये मतलब कम टाइट कर, कम टाइट कर, वो टाइट कर दिए, कुछ नहीं होता। ये गाइस देखिए पहली राखी मुझे हाथ के बन चुकी है। सो ये मानसी तिलक लगाए, नहीं मुझे तो लगा। हाँ तुझे नहीं लगाया, मतलब तिलक तो पहले लगा। इधर से पानी ले, मेरे और मेरे भाई की हमेशा तिलक लगाने पे लड़ाई होती थी, चल ढंग से लगाई नहीं पाती थी, फिर मैं चिल्लाता था मुझ पे। हर साल यही गड़बड़ होती है। मैंने सबको राखी बांध दी, अब मानसी बांधेगी। सौगी वहां से ले आओ, उधर है मंजित्री थाली बुझी, अब कपूर जला देते हैं। कपूर इतना जलेगा ना कि थाली आग पकड़ लेगी। तो ये चुन्नी इतनी भारी है ना गाइस, ओढ़े भी नहीं जा रही है ढंग से यार। मतलब आई थिंक ये चुन्नी वही 20 साल पुरानी चुन्नी होगी। ये मेरी मम्मा, ये तब की चुन्नी है जब मेरी मम्मा बेदी में बैठी थी। मतलब बेदी होता है हम हिंदू कस्टम में, वो होता है कि जब फेरे लेते हैं, ये तब की चुन्नी है इतनी पुरानी। आपके पास भी ऐसी कोई चुन्नी हो तो संभाल के रखना, अच्छी की शादी में काम आएगी। ये मुझे ये मानसी की राखी है एविलाई वाली। हाँ, इनको नजर से बचाएगा, कीवल आई होती है लाइक के एविलाई वाली, इनको ही कीवल आई होती है। ऐसे ही कट कर देना, भगवान इनको बुरी नजर से बचाए। नेहा की एविलाई वाली राखी बंद रही है और हमारी ईवल आई वाली राखी बंद रही है। चलो नेहा की अलग होगी फिर थोड़ी बुखड़, बस कर ले यार। मुझे किटकैट तो खिलाओ भाई। क्यों खिलाए, हमारे वाले खाना तुम खाए, तू वैसे खाएगी। मुझे किटकैट आंचल खिलाएगी, रक्षा यही, रक्षा रक्षा यही होती है। कोई आंचल खिलाएगी मुझे तुम्हें? ना 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 ना, क्यों मेरा पास नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है। ओ बुझगी यार, कुछ नहीं फिर से जला देंगे। एक और बुझा दिया, दिया देखो ये तो इवल आई वाली राखी बन चुकी है। मीठा खाने की तरफ उसको खिला काजू, मैं मेरे को किटकैट खिलाई हूँ। किटकैट खोल दे मानसी, क्योंकि तू भी खिलाएगी और अंचल भी खिलाएगी। जरूरी थोड़ी है कि मैं तेरे को किटकैट खिलाऊं, उसकी मर्जी, वो जो मर्जी नहीं खिलाए। नहीं कोई नहीं किटकैट खाएगा आज मानसी, देख ले यार किटकैट तो खिलाना। मानसी पिघला हुआ है यार, अरे पिघल गया। मैं ही गए थे, मैं और आंचल इतनी धूप में, तुम तो इधर बैठे हुए थे महारानी। तो क्या हो गया भाई अगर लेके आ रही तो। और लास्ट में अब आंचल की टर्न सबको राखियां बांधने की। तो ये तीन राखियां बन गई यार। अब ना हमें माइक भी लेना पड़ेगा क्योंकि इतनी दूर से वहाँ आवाज जा रही है। तो पूरा सेटअप करना, तू किस नाम की यूट्यूबर है हैं? यार धीरे धीरे ही सेटअप होगा ना, अभी तो स्टार्ट है। धीरे धीरे खराब ही हो गया। तो अभी यही खा, अब तो वो खाने लायक बची नहीं।
चॉकलेट का क्या हाल हो गया गाइस, ऐसे भुखड़ यूट्यूबर किसी को ना मिले, कसम से इतनी भुखड़ ये है ना। खाने के लिए तो आए होते हैं, बस करो आए होते हैं। ये तो कल खाई हो, मैं दे रही हूं ना मानसी, रखो उधर नेहा के लिए ना अभी। ये तो कल खाई, थैंक यू। और ये तो मैंने खाई ली और ये आंचल को, ओह गिफ्ट, डबल डबल के लिए गिफ्ट ही नहीं है। तुझे क्या दूं मैं, गिफ्ट मुझे दिया जा रहा है गाइस, देखो इसको लोगों क्या दे तो राखी बांधने के बाद अब बारी आती है कुछ खाने की। बहुत तेज से भूख लग रही थी क्योंकि एक तो राखी का मुहूर्त भी 2 बजे के बाद था, तो सुबह से कुछ खाया नहीं था मैंने, तो बस सोचा जल्दी से बना लूं। तो मैंने बनाए पकोड़े और कड़ी, और आज मेस भी बंद थी तो जिसकी वजह से मुझे खुद ही बनाना पड़ा सारा खाना। तो मैंने पकोड़े बना दिए, उसके बाद दही ली, उसको फेंटा अच्छे से, बेसन डाल के एकदम कड़ी बना दी उसकी। मैं लगा रही हूँ प्याज का तड़का कड़ी बनाने के लिए, तो ये डाली मैंने इसमें ऊपर से कड़ी। अब थोड़ा टाइम लगते हैं इसको बनने देते हैं, थोड़ी देर में धीमी आंच में रख के। तो कड़ी अब ऑलमोस्ट बन चुकी है, अब डालेंगे इसमें हम पकोड़े। मैं खाना खाने जा रही हूँ, मैंने बनाया था कड़ी चावल और रोटियाँ लाई हैं बाहर से। ओके वाओ, बारिश पड़ रही है तो शाम में एकदम मस्त वाली बारिश पड़ गई आज। हाय हाय, मैं तो गीली हो गई। शाम में हम गए थे शिव जी के मंदिर, पुनेश्वर मंदिर, जो कि हमारे हॉस्टल से पास ही में पड़ता है, तो यहाँ की आरती हम अटेंड करने आए थे। मंदिर की बहुत अच्छे से डेकोरेशन की थी इसलिए देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। आज लास्ट मंडे था इस सावन का, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत से लोग आए थे यहाँ पे भगवान के दर्शन करने और आरती को सुनने। आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, तो जल्द मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में। बाय।